हेलो दगड़ियो, गुड मॉर्निंग। पहला गाय होप कि सब ठीक होला, मैं ना स्वस्थ मस्त। तो दगड़ियो एल बजरान रहते नौ, तो घाम तो पूर आ गयो हम। तो करनो आज अब ब्लॉग स्टार्ट, और मैं ब्लॉग में लास्ट तक जरूर बनी रही है, और मैं चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर दिया है। तो गाइस नाश्ता वगैरह तो हो चुका है, अच्छी सी धूप भी आ चुकी है आज, और यहाँ पे कालू वेट कर रहा है। अम्मा कुछ देगी इसको करके, अम्मा रोज देती है इसीलिए। तो मेरे को आज थोड़ा सा जुकाम भी हो रहा है, थोड़ी सी खांसी भी हो रही है ठंडे की वजह से। रोटी वगैरह तो खा ली है, अम्मा पता नहीं अंदर पे क्या कर रही है। आज अम्मा धूप सेकने नहीं आई अभी तक बाहर, क्योंकि अम्मा को पता है आज सुबह सुबह धूप आ गई, इसलिए आज नहीं आई है। जिस दिन ना कोहरा लगा रहता है ना, उस दिन अम्मा यहाँ पे धूप का इंतजार करती है रोज। तो देख सकते हो सब गाय भैंस वगैरह भी सब बाहर बांधी है, क्योंकि सुबह सुबह धूप आ चुकी है इसीलिए। तो गाइस मिलते हैं अभी। गाइस अब मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि ना बाल भी कुछ अजीब अजीब से हो रहे हैं। थोड़ा सा तेल डाल के चुटिया बना लेती हूँ। आज मैं खालून तो थोड़ी सी चुटिया बनाते हैं। ये देखो दो दो एक ही साथ। ये देखो यहाँ पे बिना अम्मा का कमरा, ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा कमरा, ये देखो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं लकड़ियों के लिए। कहाँ जा रहे हैं? कुरघट्टी साइड। आगे पे कब्बू है, मतलब अपनी लकड़ियों के लिए नहीं जा रहे हैं, प्रधान जी लोगों के लिए, मतलब उनकी है लकड़ियाँ, कटवा रखी है उन्होंने, तो उनकी लकड़ियों के लिए हम जा रहे हैं अभी, क्योंकि उनके पापा की डेथ हो गई है। तो हम जा रहे हैं, बारसी होगी बाद में होगी, मतलब तो लकड़ी उन्होंने काट दी है पहले ही। तो कब्बू और मैं जा रहे हैं, तो मिलते हैं अभी। गाइस ये देखो नक्स, और उसका नाम क्या है रे? नमन। ये लोग जा रहे हैं स्कूल, धोपानी के स्कूल। आगे पे राजेश और बच्चे आ रहे हैं। हम पहुंच गए धोपानी। तो खूबसूरत धूप यहाँ पे भी आ चुकी है फिलहाल। कुरघट्टी गाड़ आज हॉल में लग गई। ये हुआ मैं स्कूल कबूतर ले आई करो प्राइमरी। पांच तक हमने यही पढ़ा था, मिसिंग। यहाँ हम ना खेल करते थे, ये बाशिंगा झाड़ में। कबू कबू कबू, ये देखो गाइस बोट में चले गया है। जाकर मैंने पूछा टिपली रहो, जूम करके दिखा दे, दिख रहा है ये गाइस? ये गुण, ओ वो देखो उसके दांत देखो गाइस। ये देखो हम इनको ना बहुत गिजा लगाते थे बचपन में, गिजा जो ना हम मत लगाना, वो क्या कहते हैं पीछे पड़ते हैं। हाँ, गाइस अब हम चलते हैं। गाइस हम पहुंच चुके हैं बिजरान। ये है बिजरान का नजारा, देखो आप भी बिजरान। ये ऊपर को नानिया सब ये बोठन क्या खनी फयाटा फल्याट है सब यहाँ पे। ये देखो फल्याट की लकड़ी ना बहुत मजबूत होती है, एक तो ऊपर खा रहो तो ये देखो अब ज्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े ही बच रखे हैं। तो गाइस हम फेंक के आ गए लकड़ियाँ उनके घर के वहाँ पे। चाय वगैरह तो हम पीते नहीं है, कब्बू पीती है पता नहीं गर्मी में वो बोल रही है मैं भी नहीं पीती हूँ, मेरे को ना जुकाम और बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। अभी हम फिलहाल नीम खेत में हैं, चलते बनते हैं हम घर को। इतनी धूप आ रखी है खतरनाक वाली, गर्म हो चुके हैं। गाइस हम पहुँच चुके हैं चौड़ा मंदिर पे। जय हो भगवान जी। कब्बू यहाँ से फोटो शूट कर रही है मंदिर की। दीदी दिखा दो, ये देखो कब्बू ने फोटो खींच दी है, अच्छे से दिखाना भी दिख नहीं रही है। तो गाइस आज खाने में है लाई की सब्जी और सूखी रोटी। घी लगाई वाली नहीं खा रही, क्योंकि ना बहुत ज्यादा जुखाम और खांसी हो रही है। अम्मा तो खा रही है घी वाली रोटी। हाय अम्मा। हेलो कचरा साग भजब। गाइज मैंने इतने सारे कपड़े धोए, ये देखो ये लकड़ी से आके, फिर मेरे को ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं हुआ, तो अभी पहुंच रही हूँ मैं ब्लॉग तक, क्योंकि ना इतने सारे कपड़े वैसे ही थे, शादी से भी वैसे ही थे आधे कपड़े, मार्केट वगैरह वाले भी वैसे ही थे। तो अब हम खाते हैं रोटी सब्जी और गुड़ साथ में, हो नहीं तो भात खाती मैं, जुकाम हो रहा है और खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइज अब मैं खाती हूँ रोटी लाई की सब्जी। किसी को खाना हो तो बता दीजिए। गाइस अभी हमें डूमर खेत में, यहाँ पे हम बना रहे हैं चूक। ये है कब्बू, काफी धूप लग रखी है यहाँ पे क्यों मत गाइस ये कब्बू नमक पीस के लाई है, मतलब फ्रेश फ्रेश। क्या क्या खू कब्बू? यो वाओ, अदरक का लून लो है और धनिया ला रखी है। चाकू नहीं लेके आई है,
हाथी चाको है यहाँ पे, अम्मा लोग भी बैठ रखे हैं, चाची चेतन, आजा चेतन आजा, ओए चेतु आजा जल्दी आजा। तो गाइस अब हम बनाते हैं चूक, तो आपको भी दिखाते हैं बनने के बाद। तो दोस्तों अब कब्बू छिल रही है चूक, गाइस दोनों दाने छिल रहे हैं, अब कब्बू बना रही है यहाँ पे। धनिया लेके आई है गाइस, धनिया भी काट दिया है, हाथ डाला गाइस अब थोड़ा सा बच रखा है, मुंह पे पानी आ रहा है बहुत ज्यादा। तैयार होने है ना रुमक मपोन होना वेल, तैयार होने है ना, भग्गू भी आ रहे हैं चूक खाने किस किस के मुंह पे पानी आ रहा है बता देना, ये चांद खिलाया तो नहीं तूने उनको, पानी आ जाएगा जो हाल बता रहा कमेंट में डाल देना। कब्बू बल मच्चे खितने बल डालनी लेने की सा है खितन ना यार डालना नहीं बोलते। अजी डाल डाल भी दादा। तो गाइस बन रहा है चूक, चेतन नून नून हो डाली मैं तो गाइस नमक डाल दिया है गाइस। देखो छोटा बाबू भी खाने के इंतजार में है यहाँ पे, तू भी खाएगा खाएगा हाँ सुड़ती हुई हाथ में खाली रह पर पकड़ ली रहो कौन सा कौन सी गिर। अब इसमें धनिया नहीं डाल रहा है, ये खाता नहीं है, ये खाली पकड़ रखा है उसने रैपर पर खाता नहीं है धनिया भी डाल दिया है, पकाऊं बैग और थोड़ा सा ही धनिया लाई थी, काम ना करने होते तो जाऊं गम में शव मखना हो गए शव में बड़ो ना गम मखना मजा आ गया। गाइस ये देखो थाली में खा रही है कद्दू हाँ यम्मी हो रहा है बहुत, पीला कद्दू कहने पीने पी तो जल सी जल्दी हाला ओह माय गॉड ये देखो पूरा थाल लगा ले रे मुख ले ओ बाबू तू ना खाया। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ डुमर खेत से, अम्मा भी आ गई है, कपड़े तो सूखे ही नहीं है भाई क्योंकि आजकल ना धूप जल्दी पार साइड चले जाती है इसलिए नहीं सूखे हैं कपड़े, तो कल उठाएंगे अब इनको जब कले सूख जाएंगे धूप। हाँ ओ माय गॉड कब्बू रुकने बाद गाइस कब्बू ना कब्बू रुकना प्लीज यार बट वो भग चुकी है, वो मतलब पीठ में वो ले जा रही है आज गोबर डॉग में ले जाऊ रहा कब्बू रुकने तो गाइस ये लक्ष्मीना अभी पहुंच रही है स्कूल से घर, 5 बज गए हैं, हम जा रहे हैं भारी बनियार पानी बनने। गाइस खाली घुमरी तो हम है कद्दू काम करिए दे गाइस अभी पहुंच रही है, इनको ना बहुत ज्यादा चलना होता है, हम भी गए थे मतलब ये कुछ ज्यादा ही लेट कर देते हैं, हम तो 4 बजे घर पहुंच जाती है, ये 1 घंटा लेट आते हैं पूरा। गाइस हमको इतनी पता हो जाती है ये क्या है मेरे को समझ में नहीं आया आज तक, मूली है ये गाइस, ये मूली के पाए देखो गाइस इसको पहचानो ये क्या है, मूल जैसा तो मेरे को नहीं लग रहा है, ये जड़ कौन से इनमें एक भी जड़ नहीं हो रही है इसमें, ये देखिए गाइस ये मुलनी है देखो ये क्या है मैं क्या ने मकान पर। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ घर पानी भर के, और तो शाम भी होने लगी है क्योंकि फिर बैकग्राउंड भी अंधेरा और फेस भी पूरा फेस का लुक ही चेंज हो जाता है। अभी मैं हूँ फिलहाल अंदर पे, अम्मा यहाँ पे सब्जी काटने में लग रखी है देख सकते हो। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना,
ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सब लोग भले रहिए। जय देव भूमि उत्तराखंड।